हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों अस्थमा के बारे में कि अस्थमा क्या होता है, क्यों होता है और क्या क्या इसके लक्षण रहते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं अस्थमा की बीमारी में। दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मैं यहाँ पर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों, आइए बात करते हैं अस्थमा के बारे में। अस्थमा क्या है? अस्थमा एक श्वसन तंत्र की बीमारी है, जो आपका एयरवे सिस्टम रहता है, श्वास जो सिस्टम रहता है उसकी एक बीमारी है, जिसमें कि जो आपका एयरवे जितने भी पैसेजेस उनमें नेरोनेस आ जाती है, सुखड़ जाता है। जैसे कि जो आपकी सांस की नलियां हैं वह सुखड़ जाती है, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन होने के साथ साथ उनमें म्यूकस जमा हो जाता है और म्यूकस जमा होने के कारण आपको खांसी आती है, सांस में तकलीफ होती है। इस कंडीशन को अस्थमा कहते हैं। इसके लक्षणों की हम बात करें तो सबसे पहला लक्षण जो होता है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको खांसी आती है। साथ ही साथ आपको जो दूसरा लक्षण होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। सांस लेने के दौरान आपकी सांस में से सीटी जैसी आवाज़ आती है, वीजिंग साउंड आता है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा बलगम आता है। अस्थमा माइनर्स भी हो सकता है, जो कि आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट कर सकता है, और मेजर भी हो सकता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। इसके कारण की बात करें तो दोस्तों, इसका कारण जो है वो अननाउन है। फिर भी कुछ टाइप के जो अस्थमा होते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा या फिर ऑक्यूपेशनल अस्थमा। आप किसी ऐसी जगह, किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पर ऐसी चीज़ें बनाई जाती है जिनसे कि आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि एलर्जन्स जहाँ पर होते हैं वहाँ पर हो सकता है। जो तीसरा अस्थमा होता है वह होता है एलर्जी इंड्यूस्ड अस्थमा। अगर आपको लंबे समय से एलर्जी की प्रॉब्लम रही है तो यह एलर्जी आगे चलकर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। ये कुछ कारण होते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का हम यूज़ कर सकते हैं अस्थमा की बीमारी में। सबसे पहली दवा आती है दोस्तों आर्सेनिक एल्बम। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, खास करके अस्थमा की कंडीशन को ठीक करने के लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी आती है और बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान करती है तो यह दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर अस्थमा के केसेस में इस दवा को लेते हैं 30 पोटेंसी में, दो दो बूंद डायरेक्टली टंग पर दिन में 3 बार आप ले लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं दोस्तों। दूसरी मेडिसिन आती है दोस्तों ईपीकॉक। अगर आपको खांसते खांसते बहुत ज़्यादा खांसी चलती है और खांसते खांसते आपको वोमिटिंग आने लगती है अस्थमा के पेशेंट्स में, या फिर नॉर्मली भी अगर आपको खांसी चलती है और खांसते खांसते वोमिटिंग आने लगती है, उल्टी होने लगती है, तो ईपीकॉक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में दो दो बूंद डायरेक्टली टंग पर आप ले लीजिए दिन में 3 बार खाना खाने के आधे घंटे पहले। तीसरी जो मेडिसिन आती है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, खासकर अस्थमा के केसेस में लिए, अस्थमा की यह रामबाण दवाई है। इस दवा का नाम है ब्लाटा ओरिएंटेलिस। अस्थमा के पेशेंट्स के लिए यह दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, चाहे नया अस्थमा हो या फिर पुराना अस्थमा हो, किसी भी प्रकार का अस्थमा हो, ब्रोंकियल अस्थमा हो, उसमें यह दवा बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सांस लेने में कठिनाई होती है, बहुत ज़्यादा खांसी चलती है, तो ब्लाटा ओरिएंटेलिस के मदर टिंचर को 20 बूंद आधे कप पानी में डालकर आप दिन में 3 बार पी लीजिए, आपका अस्थमा धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों ADEL कंपनी का ड्रॉप नंबर 10। अस्थमा ड्रॉप के नाम से आता है, ADEL कंपनी का 10 नंबर का ड्रॉप आता है अस्थमा ड्रॉप के नाम से। यह भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अस्थमा से रिलेटेड या अस्थमा की जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें जो भी सिम्टम्स आते हैं, सांस लेने में कठिनाई होना, सांस में से सीटी की आवाज़ आना, गड़गड़ की आवाज़ आना, सोने के दौरान आपको सांस लेने में तकलीफ़ होना, और साथ ही साथ आपको बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगना, चेस्ट में टाइटनेस लगना, यह सब समस्या को, सभी सिम्टम्स को ADEL कंपनी का ड्रॉप नंबर 10 ठीक करता है। इसको 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में डालकर आप दिन में 3 बार पी लीजिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। खाना खाने के आधे घंटे पहले हमें होम्योपैथिक मेडिसिन का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। अब आइए दोस्तों, एक बायो कॉम्बिनेशन मेडिसिन की हम बात कर लेते हैं। बायो कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, इसका नंबर है 2। दो नंबर की बायो कॉम्बिनेशन मेडिसिन आती है BC नंबर 2 के नाम से। यह भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है अस्थमा के केसेस में। अस्थमा की से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसमें यह दवा बहुत ही अच्छा काम करती है। टेबलेट फॉर्म में आती है, 4 से 6 गोलियां आपको दिन में 3 बार चूसना है। दोस्तों, ये सब दवाइयां आप 5-5 मिनट के गैप से इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
3-4-5 महीने, जितने महीने आप इसको लेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मिनिमम आप इस मेडिसिन को 3 मंथ तक ले सकते हैं। ज़्यादा ही लंबा पुराना अस्थमा है, बहुत ही क्रॉनिक है, तो दोस्तों उसमें आप इसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। खास बात यह है कि यह जो मेडिसिन है यह शुगर पेशेंट्स भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों आइए बात करते हैं एक सिरप के बारे में। एक सिरप का नाम मैं बताने जा रहा हूँ, इस सिरप का नाम है आस्था क्योर, LDD बायोसाइंस का आता है। अस्थमा के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। मैं अपने क्लिनिक में जो भी अस्थमा के पेशेंट आता है उसको यह सिरप जरूर देता हूँ। केवल शुगर पेशेंट इस सिरप को नहीं ले सकते। आस्था क्योर के नाम से आता है LDD बायोसाइंस का। 10-10 ml दिन में 3 बार आपको पीना है। खाना खाने के आधे एक घंटे बाद ले लीजिए, क्योंकि 4 से 5 मेडिसिन जो आधे घंटे पहले ले लीजिए। और आस्था क्योर को मेडिसिन को आप जो सिरप आता है उसको आप खाना खाने के आधे घंटे बाद ले लीजिए। दोस्तों आपका जो अस्थमा है वह लगातार प्रयोग करने से ठीक होने लगेगा। ऐसे ही हेल्दी टिप्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं डॉक्टर आनंद लेता हूँ आज आपसे विदा। मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेल्थ टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।